मम्स मीन्स गलसुआ की प्रॉब्लम आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासकर इसी सीजन में मम्स के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या आपके आसपास किसी को मम्स की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ हम ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जिसको लेने से 2 से 3 दिन में ही आपके मम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मम्स जो होता है ये हमारे कान के नीचे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है, इसमें सूजन आ जाती है। दोनों कान के ये निचले हिस्से में सूजन का आ जाना ही मम्स होता है। मम्स मीन्स गलसुआ एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका जो इम्यून पावर है वो कैसा है, क्योंकि अगर आपका इम्यून पावर अच्छा होगा तो आपको इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। वायरल इन्फेक्शन होता है ये, इसलिए बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। खासकर बच्चों को हमने इसलिए कहा कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, या स्कूल जाते हैं और किसी एक को प्रॉब्लम हुई तो उनको वो टच करते हैं, उनका कभी कभी पानी भी जूठा पी लेते हैं, जिससे उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अगर ये आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनका जूठा पानी ना पिएं या कुछ दिन तक उनसे दूरी बना के रखें। लेकिन ऐसा बताने के लिए आपको लक्षण जानना ज़रूरी होगा। तो जब भी गलसुआ मीन्स मम्स की प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है मीन्स ये कान के नीचे वाला हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, इवन किसी पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर भी आ जाता है दर्द और रेडनेस के कारण। एक्चुअली क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये हमारे लार मीन्स सलाइवा का सिक्रीशन का काम करती है। इसलिए जब सलाइवा जो हमारा होता है उसमें भी मतलब उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको खाना निगलने में भी दिक्कत हो रही है, सही से भूख नहीं लग रही है, बहुत बेचैनी भी लग रही है, घबराहट हो रहा है, थोड़ा सा भी काम करने में उनको थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि जब मम्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत से पेशेंट को थकान भी महसूस होती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, रेडनेस है, तो आप उनको दवाइयाँ ज़रूर दें। क्योंकि अगर आप दवाइयाँ नहीं देते हैं तो ये प्रॉब्लम 15 से 20 दिन तक खिस सकती है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ दे देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में ही आराम मिल जाएगा। इसलिए आप होम्योपैथिक दवाएं दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि आपको गलसुआ मीन्स मम्स की प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको अपनी एक चाइल्डहुड स्टोरी सुनाती हूँ। हम जब छोटे थे तो हमें मम्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी और उसमें दर्द, स्वेलिंग और कभी कभी हम लोगों को फीवर भी आ जाता था। लेकिन हमारे फादर से एक मीठी मीठी सी गोली देते थे, 2 से 3 डोज उसे देते थे और हमारी मम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। जब हम अपने फादर से पूछते थे कि ये कौन सी दवा है तो हमारे फादर से यही बोलते थे कि ये एक मैजिकल मेडिसिन है। तो हम उसे मैजिकली मेडिसिन समझ के खाते रह जाते थे। उस मेडिसिन का नाम हमें बाद में पता चला जब हम बड़े हुए, उस मेडिसिन का नाम है बेलेडोना। जी हाँ, बेलेडोना एक ऐसी दवा है जो सच में मम्स के पेशेंट के लिए मैजिकल काम करती है। क्योंकि अगर मम्स के पेशेंट हैं और उनको फीवर आ रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो दर्द और फीवर से निजात दिलाने के लिए, स्वेलिंग्स को दूर करने के लिए बेलेडोना बहुत ज़्यादा असरदार दवा है। हम लोग खुद बेलेडोना का बहुत यूज़ करते थे बचपन में, अब तो इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और हमारे फादर केवल बेलेडोना की 2 से 3 डोज दे देते थे। यकीन मानिए, 2 से 3 डोज में ही वो हमारा मम्स बिल्कुल ठीक हो जाता था, स्वेलिंग भी ठीक हो जाती थी। इसलिए ये प्रूफ है, मींस हमने अपने ऊपर ही प्रूफ किया है कि ये दवा बहुत असरदार है। तो आपके घर में भी आपके बच्चों को या आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या शूटिंग लाइक पेन हो रहा है, मतलब इतना तेज़ दर्द हो रहा है यहाँ कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड में, तो आप बेलेडोना ज़रूर लें, क्योंकि बेलेडोना दर्द से निजात दिलाने के साथ साथ स्वेलिंग को भी कम करती है। बेलेडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आप ले लीजिए, और
अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे नहीं लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा होता है, इसलिए आप उन्हें ग्लोब्यूल्स में ऐड करके 2 से 3 ग्लोब्यूल्स दे दीजिए। आप यकीन मानिए 2 से 3 दिन में ही मम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देन सेकंड मेडिसिन है मर्क्सोल। देखिए कोई भी अगर मम्स का पेशेंट होगा उसकी जो सिम्टम्स होंगे सबके सेम ही होंगे, किसी को थोड़ा हाई ग्रेड फीवर रहेगा, किसी को नॉर्मल फीवर रहेगा, दर्द कम ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो सब सेम होंगे। हम मर्क्सोल उन पेशेंट को देते हैं जिनका राइट साइड मींस राइट पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, कान के नीचे वाले हिस्से में, राइट साइड के कान के नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग होती है, उन पेशेंट के लिए मर्क्सोल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यदि आपको भी कान के नीचे वाले हिस्से में राइट साइड में दर्द हो रहा है तो आप मर्क्सोल यूज़ करिए, बहुत असरदार दवा है ये, आपके पेन को, स्वेलिंग को, रेडनेस को कम करती है, साथ साथ अगर आपको फीवर की भी प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में मदद करती है। तो आपको अगर राइट साइड का मम्स है तो आप मर्क्सोल यूज़ करिए। देन थर्ड इफेक्टिव मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें लेफ्ट साइड मींस लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, कान के नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग होती है, मम्स जो है वो लेफ्ट साइड का होता है, उनके लिए बहुत असरदार दवा है लेकेसिस। तो यदि आपको भी लेफ्ट साइड में मम्स की प्रॉब्लम है या आपको टच करने से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप उस एरिया को लेकर, या बहुत ज़्यादा रेडनेस स्वेलिंग है और आपका जो पेन है वो बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत ही तेज पेन हो रहा है, तो आप लेकेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको राइट पैरोटिड ग्लैंड में मम्स की प्रॉब्लम है तो आप मर्क्सोल यूज़ करिए, और लेफ्ट साइड के पैरोटिड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो आप लेकेसिस यूज़ करिए। इसके साथ साथ आपको बेलेडोना ज़रूर लेना है, क्योंकि दर्द और फीवर से निजात दिलाने के लिए बेलेडोना बहुत असरदार है। इन तीनों ही दवा को आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेकर देखिए, आप यकीन मानिए सिर्फ 2 से 3 दिन में आपकी मम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दर्द, स्वेलिंग, फीवर, जो भी आपके सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। तो आप इन दवाओं को अपने बच्चों को या आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर लीजिए, और बेलेडोना तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि बेलेडोना मैजिकल मेडिसिन का काम करती है मम्स के लिए। तो आप इन मेडिसिन को लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको राइट साइड का मम्स की प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड की मम्स की प्रॉब्लम है। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।